चंब्याली धाम की जो एक रेसिपी है जिसे कहते हैं राजमा का मदरा। सबसे पहले मैं जो है इसमें डाल रहा हूँ राजमा, जिनको मैं करूँगा बॉयल। बिल्कुल घोटना नहीं है, राजमा का दाना नज़र आना चाहिए। इसके अंदर मैं डालूँगा नमक और इनको अब करेंगे हम बॉयल। तो अब देखते हैं राजमा का क्या कंडीशन है। राजमा हमारे बिल्कुल गल चुके हैं और इसको जो है मैं निकाल लूँगा। और अब शुरू करते हैं मदरा बनाना। सबसे पहले हम तैयार करेंगे दही को, जो कि हम मदरा के लिए यूज़ करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे धनिया का पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी देगी मिर्च। इसके अंदर ना इसके अंदर लहसुन का यूज़ होगा, ना इसके अंदर अदरक का यूज़ होगा। ये पूरा सात्विक खाना है। तड़के में जाएगा देसी घी, कोई भी मदरा हो वो देसी घी में ही बनता है। ज़ीरा, ये साबुत लाल मिर्ची और ये खड़े मसाले, एक मोटी इलायची, तीन छोटी इलायची, दालचीनी, तीन से चार लौंग, साथ में एक तेज़पत्ता। ये जो खड़े मसाले हैं इनको थोड़ा सा कूट लें आप, ताकि इसका जो फ्लेवर है अच्छी तरीके से इस घी के अंदर आ जाए। मैं ये जो दही लिया है, मैं दही इसके अंदर डाल दूंगा और डालते ही इसको अच्छी तरीके से हिलाना हम चालू कर देंगे, ताकि जो हमारा दही है वो फटे ना। क्योंकि मदरे में अगर दही फट गया तो समझिए मदरा आपका बिल्कुल बेकार हो गया, उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। इसको तब तक हमें हिलाना है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। और एक ही डायरेक्शन में आप इसको हिलाएं, और गैस जो है आपको इसमें ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, मीडियम टू हाई रखना है। ही ये देखिए, मैं अभी तक जो है इसको अच्छी तरीके से हिला रहा हूँ, और क्योंकि अभी तक हमारा बॉयल नहीं आया है इसके अंदर। जैसे ही बॉयल आएगा मैं इसको छोड़ दूंगा बॉल हिलाना, क्योंकि बॉयल आने के बाद जो है इसका फटने के चांसेस नहीं रहते हैं। जो सबसे मेन चीज़ है मदरे के अंदर, कि मदरा का जो दही है वो फटना नहीं चाहिए। तो आप ये देखिए, अब दही के अंदर जो है अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगा राजमा को, और राजमा डालते ही जो है हमारी जो दही की ग्रेवी है वो थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो इसके अंदर मैं अब नॉर्मल पानी नहीं डालूँगा जिसमें मैंने राजमा बॉयल करे थे, क्योंकि सारा फ्लेवर राजमा का उसी पानी के अंदर है। मैं हल्का सा पानी डालूँगा वो वाला, बस ज़्यादा भी नहीं डालना हमें, क्योंकि ना ये ज़्यादा गाढ़ी होती है ना ही ये ज़्यादा पतली होती है। और एक इसको अच्छी तरह बॉयल आ जाए, यहाँ हमारा राजमा का मदरा जो है पूरी तरीके से तैयार है। और एक गरम मसाला, हमारा राजमा का मदरा तैयार है सर्व करने के लिए। इसको हम करेंगे सर्व। बनाइए इसको, बहुत आसान रेसिपी है, बस थोड़ी सी टेक्निक की ज़रूरत है। और बना के ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मेरी आईडी है chef.anirudh80। chef anirudh80 साइनिंग ऑफ। थैंक यू।